करें, अरे क्या चल तो रहा है काम, इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, फॉर्मूले से हो तो रहा है काम। अब यकीन मानिए जिंदगी भर आप इंटीग्रेशन की उस साइड पर रहेंगे जिस साइड एक दुनिया थी झूठी और इस साइड थी सच्चाई, जिसको आप कभी देख ही नहीं पाए, वो कर्टेन हमेशा आपके बीच में रहेगा। तो एम की वैल्यू √3 है, क्योंकि इंटीग्रेशन करते ही वो बच्चे हैं यार, जो लेवल होता है बच्चों का, जो इंटीग्रेशन पढ़ लेता है मैच्योरिटी का लेवल आता है उसके अंदर, समझ रहे हो, जो इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ होता है समझदार हो जाता है कि भाई साहब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, अलग ही अंदर से वाइब्स आती है इंटीग्रेशन वालों को, बच्चों को मुंह नहीं लगाते फिर वो, कुछ अलग ही रौले में चलते इंटीग्रेशन वाले, समझ रहे हो बात को। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको शायद आपने इंटीग्रल कैलकुलस करते हुए नज़रअंदाज किया है। आपने बहुत सारे इंटीग्रेशन कर लिए, फॉर्मूलाज आप सीख गए, बड़े बड़े क्वेश्चन आप बना रहे हैं, क्लास 12th में आप हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ, और आप जानते हैं चाहे वो NDA हो IIT हो, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसके क्वेश्चन एप्लीकेटिव बेस पर आते हैं, रट रटा के तो आपका काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है इंटीग्रेशन में। तो एक बहुत बड़ा सवाल आपसे मेरा है कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। आज आपने सर एंटी डेरिवेटिव तो कहते हैं इंटीग्रेशन को, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये सर प्लस सी कहां से आता है? सर हमारे टीचर ने सिखाया कि जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसमें कॉन्स्टेंट लगा देंगे, या फिलहाल 90% बच्चे जानते हैं कि सी शायद कहां से आ रहा होगा। आपने x का इंटीग्रेशन किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, सर आंसर इज x² / 2 प्लस सी, बट माई क्वेश्चन ओनली इज दिस कि वॉट यू अंडरस्टैंड बाय दिस इक्वेशन, वेन यू इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू x यू गेट द आंसर x² / 2 प्लस सी, वॉट इज द इंफॉर्मेशन हैव जनरेटेड इन योर माइंड बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इज देयर एनी? नो, नॉट एट ऑल। आपने सवाल को कर लिया कि आपको समझ क्या है, ये आपने क्या किया, ये सफेद अक्षर जो आपको एक ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि काला अक्षर वैंस बराबर, लेकिन क्या इससे कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है कि x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस सी आया, इससे क्या समझ में आया, क्या था, क्या बना, क्यों बना, कैसा है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, वॉट मोटिवेट द साइंटिस्ट टू पुट अप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या उनको मोटिवेट किया, क्या जरूरत थी कि दुनिया के सामने इंटीग्रेशन जैसे मुश्किल चैप्टर को रखने की, जो बच्चों की आज जान ले रहा है, कितने सारे बच्चे समुद्र में डूब चुके हैं और शायद कुछ खो गए हैं और कुछ ने सॉल्यूशन भी निकाल लिया, कुछ एक्सपर्ट हो गए हैं, कुछ ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है और इसका यूज करके, कैलकुलस का यूज करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, शायद IITs में पहुंच चुके हैं, पढ़ रहे हैं और दुनिया में काफी नाम कमा चुके हैं। बट आप अगर क्लास 12th में है या फिर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, किसी कोई कंपटीशन दे रहे हैं, NDA IIT, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रल कैलकुलस करना, एंटी डेरिवेटिव बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्या आपको वाकई में इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया है? कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, कुछ भी नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मेरी टेक्निक, कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट्स आपके बीच, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए, दुनिया में इस बात को समझ, दुनिया में बोलूं या इंडिया में बोलूं, अभी तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, इस बात को समझाने के लिए शायद मेरी वजह से एक बच्चे को भी समझ में आ जाए कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो दैट विल बी वेरी ह्यूज विक्ट्री फॉर मी, बहुत बड़ी जीत होगी मेरे लिए अगर मेरी वजह से किसी को समझ में आ जाए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इतनी सारी बातें मैंने आपसे की हैं सिर्फ ये पूछने के लिए, क्या वाकई में आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया है? इंटीग्रेशन वो चीज है, एक अगर मैं आपको समझाऊं कि बर्थ से लेकर डेथ तक अगर हम अपने एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करें तब जाके लाइफ बनती है, तो ऐसे बहुत सारे थॉट दुनिया में प्रचलित हैं कि अपने दुख को हमेशा, अपने दुख जो आपके दुख हैं उनका हमेशा डिफरेंशिएशन करो, ऑलवेज डिफरेंशिएट योर ग्रीव्स एंड सॉरो एंड ऑलवेज इंटीग्रेट योर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इंटीग्रेट करने से कोई चीज इनफाइनाइट बढ़ जाती है क्या? कुछ तो रीजन है ना, हाँ बढ़ तो जाती है, रटा रटाया है क्या? डिफरेंशिएट करने से कोई चीज इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाती है क्या? हाँ, तभी तो बोला था कि अपने दुखों को, अपनी कठिनाइयों को डिफरेंशिएट करो हमेशा, और अपनी खुशियों को, अपने सपनों को हमेशा इंटीग्रेट करो, इनफाइनाइट बढ़ा दो।
तो ये वो टॉपिक है जिसपे कितने फिलोसोफर ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके अलग अलग थॉट बनाए। ये थॉट उन्हीं को समझ में आते हैं जो बच्चे इंटीग्रेशन को समझते हैं, इंटीग्रेशन को जानते हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। तो आज मैं यानी के फरमान मलिक, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपके बीच एक छोटी सी कोशिश मैं करूंगा जरूर कि शायद मैं समझा सकूं कि आपको इंटीग्रेशन का क्या मतलब था, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपको समझ जरूर आ जाएगा। बहुत कुछ इस पे किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से पहले ये मान के चलते हैं कि डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा बहुत आता है। अगर मैं डिफरेंशिएशन में चला जाऊंगा, या मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ी बहुत आती है, आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये थोड़ा बहुत आप जानते हैं, क्योंकि अभी मैं स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन को समझने के लिए। कौन सी ऐसी वो चीजें थी जिसने मोटिवेट किया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए? ये एक मैंने कार्टेशियन सिस्टम बनाया है, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइन जिसकी मैं इक्वेशन जानबूझकर y इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री कुछ भी ले लेता हूं, कॉन्स्टेंट, चलिए प्लस थ्री ही कर देता हूं। तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो अंडर रूट थ्री है। तो अगर हम यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालें, जानते हैं स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, पूरी पीएचडी कराऊंगा पेशेंस के साथ, बस इस लेक्चर को आपको पूरा देखना पड़ेगा, हो सकता है मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले लूं, बट यकीन मानिए मैं आपको ये समझाकर जरूर जाऊंगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये गारंटी है। हो सकता है आप इसको थोड़ा बोरिंग भी फाइंड करें, अरे क्या चल तो रहा है काम, इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, फॉर्मूले से हो तो रहा है काम। आप यकीन मानिए जिंदगी भर आप इंटीग्रेशन की उस साइड पर रहेंगे जिस साइड एक दुनिया थी झूठी और इस साइड थी सच्चाई, जिसको आप कभी देख ही नहीं पाए, वो कर्टेन हमेशा आपके बीच में रहेगा। तो m की वैल्यू रूट थ्री है, क्योंकि इंटीग्रेशन करते ही वो बच्चे हैं यार, जो लेवल होता है बच्चों का, जो इंटीग्रेशन पढ़ लेता है मैच्योरिटी का लेवल आता है उसके अंदर, समझ रहे हो, जो इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ होता है समझदार हो जाता है कि भाई साहब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, अलग ही अंदर से वाइब्स आती है इंटीग्रेशन वालों को, बच्चों को मुंह नहीं लगाते फिर, वो कुछ अलग ही रोले में चलते इंटीग्रेशन वाले, समझ रहे बात को। हाँ जी, तो m इक्वल टू टेन थीटा, और रूट थ्री जब होती है टेन थीटा की वैल्यू तो थीटा बराबर 60 डिग्री आता है। अब 60 डिग्री वाली कोई लाइन जा रही है, बट कहां से जा रही है, 60 डिग्री पे ही थोड़ी ना बनाएंगे, मैं एग्जैक्ट लाइन बना के दिखाऊंगा आपको। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखवा दूं यहां पर तो y की वैल्यू थ्री आएगी, वन टू थ्री, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो 0.3 से एक ऐसी लाइन पास कराओ जो 60 डिग्री भी एंगल बना रही है। लो भाई साहब, मैं शर्त लगा सकता हूं ये इस लाइन की एग्जैक्ट इक्वेशन है जो मैं चुटकियों में बना दिया ना आराम से, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बस थोड़ा सा, ठीक हो गई बात। डिफरेंशिएशन को किसने मोटिवेट किया था? डिफरेंशिएशन को मोटिवेट ही इस चीज ने किया था कि हम लाइन का या कर्व का किसी पॉइंट पर स्लोप निकाल पाए। अब आपको थोड़ी बहुत बात याद आ रही होगी, अरे किसी कर्व का डिफरेंशिएशन कर दो तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। कर्व पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होती है, अभी मैं बात करूंगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्लोप तो एक ही होता है। तो अगर ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ली थी y इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री, ये मुझे इक्वेशन की भी नहीं, और इसका अगर मैंने डिफरेंशिएट किया dy वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x का वन हो गया रूट थ्री आ गया, और थ्री कॉन्स्टेंट का तो जीरो होता है, और इसी को हम स्लोप कहते थे, ठीक है। तो पता ये चला कि अगर हम किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करा रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट आंसर आ रहा है यानी कि वो स्ट्रेट लाइन है पक्का 100%, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है स्ट्रेट लाइन का, तो और क्या तो बता रहे स्लोप, क्योंकि अभी हमने निकाला था, देखिए स्लोप रूट थ्री था, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया था, तो रूट थ्री यहां भी आ गया। अब क्या हो कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे किसी भी फंक्शन का, फंक्शन ये था और इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव दे दिया गया रूट थ्री, उल्टा करके देखते हैं इसको कि फंक्शन मेरे पास है और मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, रूट थ्री आ रहा है, अब उल्टा कर दिया, डेरिवेटिव दे दिया, तो बोले बताओ फंक्शन क्या था, उसी को तो एंटी डेरिवेटिव का, उसी को तो इंटीग्रेशन का। सॉरी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है
कि एंटी डेरिवेटिव से पूरा इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाए, यानी कि रूट थ्री का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस ये फंक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। रूट थ्री एक्स तो मिलेगा, थ्री नहीं मिलेगा। थ्री कैसे पता लगाओगे थ्री था कि नहीं था? उस पर बात करेंगे अभी, ऐसा क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, सपोज कर लीजिए कोई कर्व है, कोई पैराबोला है, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालोगे तो ये आएगी, स्लोप ऐसा कुछ होगा। मान लो इस पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर, वर्टिकल है तो एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, कुछ भी ले लिया। अब इसका मैंने डिफरेंशिएशन कराया तो वाई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा टू एक्स और फोर ए, तो फोर ए रहेगा रहेगा, और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एक वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है इस बार, टू टू ज फोर, यानी कि एक्स अपॉन टू ए, और डी वाई ओवर डी एक्स को आप क्या कह रहे हैं? स्लोप कह रहे हैं सर। अब स्लोप इसका कॉन्स्टेंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी बदलता नहीं है, कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट आया है। लेकिन क्या इस पैराबोला पर जब हम टेंजेंट डालेंगे, यहां डालेंगे तो कुछ स्लोप कुछ ऐसा आएगा, यहां डालेंगे तो स्लोप कुछ ये हो जाएगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, यहां डालेंगे तो स्लोप ये वाला एंगल कहलाएगा, यहां टेंजेंट डालेंगे, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज कराएंगे तो स्लोप चेंज होते जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन वेरिएबल की फॉर्म में आया, इसका आंसर एक्स की वैल्यू वन करा लीजिए तो जो लाइन वन से पास होती होगी वो उसका स्लोप पता चल जाएगा। यानी कि हमें ये कह सकता हूं कि जहां पर पॉइंट चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि कोई कर्व होता है, उसका डिफरेंशिएशन वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट टेंजेंट होंगी, हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट पड़ेगी, तो आप पॉइंट रखवा लो, अब उसका स्लोप आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। ये आपको जनरल स्लोप मिल गया है, इस पैराबोला पर कोई टेंजेंट हम डालें तो उसका जनरल स्लोप ये है, एक्स की वैल्यू डलवा दीजिए निकल आएगा। लेकिन क्या कोई स्ट्रेट लाइन अपना स्लोप बदलती है? डिफरेंशिएशन पे चल रही है पूरी कहानी, नहीं बदलती है सर, बिल्कुल नहीं बदलती है, इसलिए तो इसका जो डिफरेंशिएशन था वो कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन साइंटिस्टों ने सोचा क्या होगा जब, क्या होगा जब आपको किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव दे दिया, स्लोप दे दिया जाए कि भैया ये स्लोप है, बताओ लाइन क्या रही होगी। यार बात तो सही है, तो यार 60 डिग्री वाली लाइन तो ये भी हो सकती है, 60 डिग्री वाली लाइन तो ये भी है, 60 डिग्री वाली लाइन तो ये भी है, 60 डिग्री वाली लाइन तो ये भी है। लेकिन ये थ्री से पास होके जा रही है, ये वाली मान लो फोर से पास होके जा रही है, ये वाली तो बिल्कुल जीरो से पास होके जा रही है, वाई बराबर माइनस वन से पास होके जा रही है, ये वाली माइनस टू से पास होके जा रही है, ये वाली माइनस थ्री से पास होके जा रही है, यानी कि इस कॉन्स्टेंट को नहीं पता चल पा रहे क्या था, उस पर डिस्कशन होगा। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा यहां से आपको पूरी कहानी स्लोप की, टेंजेंट की, कर्व की, स्ट्रेट लाइन की कहानी समझ में आ गई है। यानी कि डिफरेंशिएशन को किस चीज ने मोटिवेशन दिया? डिफरेंशिएशन को मोटिवेशन दिया कि अगर हमें किसी इक्वेशन का स्लोप निकालना है तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें, हालांकि डिफरेंशिएशन वो टेंजेंट से ही बना था, डी वाई ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, उसमें बात करूंगा मैं जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, दैट इज अनदर थिंग। तो बट यहां से आपको एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि अगर आप किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी डिफरेंशिएशन टॉपिक नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो अगर हम किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका स्लोप निकल के आता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो स्लोप कांस्टेंट आता है, और अगर वो कोई कर्व है तो हम जानते हैं हर पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट का अलग अलग होगा, इसलिए वो वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है। जब आप उस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, या इस वाले पॉइंट को, या इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशन में जैसे ही डलवाएंगे, पुट करवाएंगे, तो उस इक्वेशन का पर्टिकुलर स्लोप निकल के आ जाएगा। तो बट अब एक सवाल यहां पर और जनरेट होता है, अगर इक्वेशन यही होती, स्लोप यही होता, बट थ्री ना होके कुछ और होता, हालांकि आपको मालूम है थ्री वाली लाइन जो है वो ये है, थ्री वाली जो पर्टिकुलर लाइन है वो ये वाली है, जो y इक्वल टू मैंने कहा था थ्री से पास करवाई है, जब x की वैल्यू जीरो आ रही थी तो y की वैल्यू थ्री आ रही थी। अब सपोज कर लीजिए थ्री की जगह मैंने फोर कर दिया, क्या इसका डिफरेंशिएशन चेंज होगा? जब मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा भैया कॉन्स्टेंट का तो जीरो आता है, ये आपको c समझा देगा बेटा, जो इंटीग्रेशन में c आता था ना, वो c फॉर फी नहीं होता है, वो आपको फी बना देता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि समझ में तो आता नहीं है तो सी बन के याद कर लेते हैं ना सी, हाँ सही समझे। अब चार हो जाए, ध्यान दे लीजिए, टॉपिक से मत डेविएट होइए, अगर चार आ जाए तो क्या डिफरेंशिएशन चेंज होगा? नहीं सर, डिफरेंशिएशन तो यही आएगा, क्योंकि सर रूट थ्री एक्स प्लस फोर, रूट थ्री एक्स का सर रूट थ्री और फोर का तो जीरो हो जाएगा,
बट इक्वेशन चेंज हो जाएगी, मतलब लाइन तो चेंज हो गई ना, 1 2 3 मान लो 4 यहां से जा रहा है, अब लाइन ये वाली है लेकिन ये इसके पैरेलल लाइन है, जरा ध्यान दीजिएगा सर। अब मैं -1 कर दे रहा हूं यहां पर, आप तो बोल रहा हूं अब डिफरेंशिएशन करा लीजिए, जरा अब कराइए आप डिफरेंशिएशन, क्या चेंज होगा? नहीं होगा, लेकिन लाइन चेंज हो जाएगी, जैसे आप एक्स की वैल्यू 0 रखवाएंगे वाई की वैल्यू -1 आएगी, यानी कि सर अब लाइन ऊपर से लाइन यहां से जाएगी। आप अगर मान लेते हैं कि ये -1 है और एक्स की वैल्यू 0 है, मान लीजिए -4 करा दीजिए, तो लाइन ये वाली हो जाएगी, क्यों मैंने मान लिया -1 -2 -3 -4 0, -4। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ पा रहे होंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर इक्वेशन का आ रहा है या उन सारी लाइनों का आ रहा है जिनका स्लोप √3 है और वो आपस में पैरेलल है, पूरी फैमिली का आ रहा है। तो इंटीग्रेशन जो उसका उल्टा है वो भी पूरी फैमिली का आता है, सी वन के आता है। क्या पता +4 था, क्या पता -2 था, क्या पता 1 था, कोई सी भी लाइन हो सकती है, तभी तो सी आता है। अरे अभी दिखाऊंगा, अभी इंटीग्रेशन पे आ ही नहीं रहा हूं यार, फरमान सर अभी पढ़ा ही नहीं रहे इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तो समझा रहा हूं। अच्छा जी, ये बात आपको समझ में आ गई ना? अब थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं वो कर्व बनाऊंगा दोबारा। अब सपोज कर लीजिए बच्चों, ये जो मैंने पैराबोला बनाया था ये वाला, इसकी इक्वेशन थी x²=4ay। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि 0,0 से पास होके जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, अभी आपने देखा था x/2a आ रहा था, a की फॉर्म में मैंने ले लिया, ठीक है। अगर मैं यहां पर +1 लगा दूं, अब नया पैराबोला बनेगा क्या कोई? हां सर लग तो रहा है, जल्दी बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा पैराबोला? y की वैल्यू 0 पुट करा देते हैं, कुछ भी कर लीजिए, y की वैल्यू 0 कर दीजिए, x की वैल्यू 0 कर दीजिए, x की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो y की वैल्यू -1/4a आने लगेगी। मान लेता हूं ये है -1/4a, मान लेता हूं ये है, a की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, -1/4a, a की वैल्यू 1/4 मान लीजिए यार, कुछ भी कर लीजिए, तो मान ले रहा हूं ये है। तो अब पैराबोला ऐसे जाने लगेगा, यार यहां पे मैं कर देता हूं -2 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंशिएशन में कोई कमी आएगी, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? भाई साहब 2 का 0 होता है, डिफरेंशिएशन यही रहेगा। क्या पैराबोला की इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा भाई साहब, डेफिनेटली आएगा। अच्छा सर कहां पर? तो जैसे ही आप यहां पर एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो वो आने लगेगा +2/4a, मान लेते हैं यहां पर आ रहा है, तो पैराबोला ये हो गया, स्लोप तो यही। अब जैसे ही x की वैल्यू आपने 1 डलवाई, सपोज कर लीजिए x की वैल्यू 1 ये है, मान लीजिए x=1 की लाइन ये है, तो यहां पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, यहां पे टेंजेंट ऐसी बनेगी और यहां पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, तीनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप दे रहा है, और स्लोप इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। तो क्या ये जो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ये x²=4ay का होता तब भी यही आता, 4ay+1+2+3, यानी कि पूरी पैराबोला की फैमिली अगर मैं ले लूं यहां से लेकर यहां तक जिनकी एक्सिस सेम होगी, तो पूरी फैमिली निकल के आ रही है। अब यहां पे x की वैल्यू 1 डलवाइए तो 1 यहां पर भी स्लोप आ जाएगा, यहां पर भी, यहां पर भी, और सबका स्लोप सेम आएगा अगर इक्वेशन यही है पूरी। तो अब एक ये वाली बात आप समझ गए होंगे आई होप। अभी तो मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन पे बात कर रहा हूं, जो मैं आपसे मना कर रहा था कि डिफरेंशिएशन आपको आता होना चाहिए, ये तो मैंने डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब क्या हुआ, साइंटिस्टों के सामने, मैथमेटिशियन के सामने चैलेंज आया, उन्हें बोला गया कि अगर मैं आपको ये दे रहा हूं तो मुझे वो उस कर्व की इक्वेशन बना के दिखाइए, अगर मैं आपको स्लोप दे दूं, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन दे दूं, तो मुझे वो कर्व दे सकते हैं क्या आप? अगर मैं आपको स्लोप दे दूं उस कर्व का किसी जनरल पॉइंट पर, तो क्या आप मुझे वो कर्व ला के दे सकते हैं क्या, कहीं से उठा लाएंगे क्या? अच्छा, मैथमेटिशियन के सामने चैलेंज था, उनका कर्व तो नहीं दे सकते, उसकी फैमिली दे सकते हैं पूरी की पूरी, एग्जैक्ट कर्व नहीं बता पाएंगे कि ये था कि ये था कि ये था, उसके लिए हमें आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी कि 0 पे कितनी है, 2 पे कितनी है। जैसे ये 0 पे 0 है, ये वाला 0 पे कितना था, 1/4, माइनस का 1/4a था, वो वाला प्लस का 1/4a प्लस में था या 2/4a था, जो भी कह लीजिए, हम फैमिली दे देंगे पूरी का। अच्छा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि भैया अब आप जानते हो, चलो मैं अभी इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं रहा हूं, कि √3x का अगर डिफरेंशिएशन d/dx, √3x की बात कर रहा हूं, d/dx
रूट थ्री एक्स कितना आ रहा है सर, रूट थ्री आ रहा है। तो d ओवर dx को अगर इधर ले जाओगे उल्टा करोगे तो d ओवर dx आएगा। उन्होंने कहा सॉरी गलत कर दियो भाई, dx ओवर d आएगा। तो उनका नीचे से d नहीं लिखेंगे हम, dx को लिखा रहने देंगे, पता लगेगा x के रिस्पेक्ट में, और एक ये साइन लगा देंगे, मतलब उल्टा। रूट थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन अगर रूट थ्री है तो रूट थ्री का इंटीग्रेशन रूट थ्री एक्स होगा। कुछ फॉर्मूले बना लिए ऐसे करके, अभी फॉर्मूले के प्रूफ पे बात करेंगे यार, क्या चिंता करो। लेकिन उनका यार साथ में प्लस सी भी लगाओ, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है तो कैसे पता चलेगा कि यहां पे प्लस फोर था, प्लस टू था, प्लस थ्री था, क्योंकि प्लस फोर रहा होगा तब भी यही आएगा, प्लस टू रहा होगा तब भी यही आएगा, प्लस फाइव रहा होगा तब भी यही आएगा, प्लस नाइन रहा होगा तब भी यही आएगा। तो कोई कांस्टेंट अगर मान लो नहीं भी है तब भी यही आएगा, तो जीरो तो है ही ना यार, जीरो तो है ना, प्लस वन होगा तब भी यही है। तो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि था कि नहीं था, तो उनका आप सी लगाइए वहां पर, आप सी मत बनिए। तो सी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, रूट थ्री एक्स का रूट थ्री हो जाएगा। इसलिए आज की डेट में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी भी फंक्शन का तो साथ में प्लस सी लगाते हैं। अब ये स्लोप था किसी लाइन का, इससे ये इक्वेशन बन गई लाइन। तो क्या ये एक इक्वेशन हुई पर्टिकुलर जो अभी मैंने आपको लिखाई थी ऐसे वाली जो जाएगी, तो ये इस पूरी लाइन की फैमिली हो गई, इनफाइनाइट लाइनों की इक्वेशन होगी। सी की वैल्यू बदलते जाओ लाइन बदलती जाएगी, बट स्लोप 60 डिग्री ही रहेगा, स्लोप 60 डिग्री ही रहेगा। अब वापस जाते हैं। अच्छा सर बात तो बहुत बढ़िया बताइए, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है। तो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को मोटिवेट किया इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लाने के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया? पहली चीज यही थी कि अगर स्लोप गिवन है, यानी कि अगर डेरिवेटिव गिवन है, तो उस फंक्शन को क्या रिकवर किया जा सकता है? विंडो करप्ट हो गई, क्या डेटा को रिकवर किया जा सकता है? कुछ तो तिगड़म लगाते हैं ना, जुगाड़ करते हैं ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं जानता नहीं हूं ज्यादा सीएस के बारे में, बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंदा लगता था कंप्यूटर मुझे सब्जेक्ट जो था 8, 9, 10 तक कभी समझ नहीं आया। लैब में जाते थे तो कंप्यूटर की पेंटिंग ही बनाई और उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, है ना, इतना अच्छा तो पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में। फिलहाल वापस इस पर आइए। तो ये कहानी थी कि अगर मैथमेटिशियन के सामने चैलेंज था कि अगर स्लोप दिया जाए हमें या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया जाए तो क्या हम उस फंक्शन को रिकवर कर सकते हैं? तो उनका फंक्शन रिकवर नहीं कर पाएंगे, फंक्शन रिकवर करने के लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए होगा, किस पॉइंट, अगर कर्व है तो कि किस पॉइंट पे क्या वो उसकी वैल्यू क्या थी, कि भैया एक्स बराबर जीरो था तो वाई बराबर वन था, बोले ये रखवा के हम एग्जैक्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप हमें ये नहीं दोगे तो हम उस कर्व की पूरी फैमिली को निकाल सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। इसलिए उन्होंने ये टू तो नहीं पता लगा पाए, वो वहां पर उन्होंने सी पता लगा लेकिन सी है, सी कोई कॉन्स्टेंट है। चलिए लीजिए देखते हैं। जैसे ये मैंने पैराबोला लिखा था आपके सामने, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा था dy ओवर dx x अपॉन 2a। और आज की डेट में आप जानते हैं जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dy ओवर dx है मान लीजिए, इसका हमने क्या किया इंटीग्रेशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो x का इंटीग्रेशन आज होता है, क्यों होता है उस पर मैं बात करूंगा, अभी कर ही नहीं रहा हूं। थोड़ा बहुत जानते हो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2a किसके बराबर था मान लीजिए, वाई के बराबर, कोई फंक्शन आ रहा है तो मान लो किसी के बराबर होगा ना, वाई के बराबर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, और x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2a तो ऑलरेडी था, प्लस c मान लीजिए, तो 2 जब 4 तो ये 4ay हो गया, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी इधर माइनस में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैं लेके क्या चला था, एक्स स्क्वायर प्लस 4ay माइनस 2 माइनस 1 कुछ भी लेके, ये सारे यहां पर 0, 0 हो रहा है, यहां पर यहां माइनस 1 हो रहा है, यहां माइनस 2 हो रहा है, कुछ भी, यहां प्लस 1 यहां प्लस 2 वाला है ये। तो उसने ये तो नहीं बता पाया कि वो था क्या प्लस वन प्लस टू, लेकिन पूरी फैमिली बता दी। सी की वैल्यू चेंज करते जाओ सारे आ जाएंगे, यह वाला, ये वाला, इनफाइनाइट पैराबोलाज आ जाएंगे, उनमें से एक होगा ना कोई आपका वाला, तो आप उसकी वैल्यू बता दीजिए सर कि जब यहां पर वन था तो यहां पर टू था, तो एक्स की वैल्यू वन, यहां पर टू रखवा के भैया मैं एक्स की वैल्यू वन रखवा दूंगा, वाई की वैल्यू टू रखवा दूंगा, किसकी वैल्यू निकलेगी सी की, फिर वो सी इसी में पुट करवा दूंगा धड़ से। तो अगर आप मुझे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दोगे तो मैं सी भी निकाल के दे दूंगा भाई, लेकिन आप मुझे जनरल दोगे कि सर ये स्लोप है फंक्शन रिकवर कर दो, तो फंक्शन रिकवर हो जाएगा, एक उस फंक्शन की पूरी जनरल फैमिली रिकवर हो जाएगी भैया, पूरी फैमिली के मेंबर आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दो कि सर एक्स जीरो है जब वाई वन है, रखवा लो यार एक्स जीरो कर दो वाई वन कर दो, तो 4a और बराबर c, तो c बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, c बराबर 4a आ जाएगा खत्म, तो यहां c की जगह 4a रख देंगे, क्या दिक्कत है बताइए, ये है गेम। तो पहली चीज जो मोटिवेट, सिर्फ इतना नहीं है, पहली चीज जो मैथमेटिशियन को मोटिवेट करी है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, अब आपको मैंने सी का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया पूरे तरीके से,
समझा के, वरना एक तरीका और है बिल्कुल रट्टू वाला, उससे भी समझा देते। तो ये पूरा मतलब था, पहली चीज जो एनसीआर टीम ने अपने पेज पे लिखी हुई है, लेकिन इतना इलेबोरेट थोड़ी करेगा वो, चार लाइनों में इन्होंने ये बात को लिख दी है जो मैं आपको पिछले आधे घंटे से समझा रहा हूं, कि पहली चीज जो मैथमेटिशियन को मोटिवेट करी है कि डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ अ कर्व, या स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, उस पॉइंट पर कोई, उस कर्व पर कोई पॉइंट आ रहा है वहां पर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, वो गिवन है। क्या उस गिवन चीज से यानी कि उस स्लोप से इक्वेशन बनाई जा सकती है वापस? पहली चीज उसी को इंटीग्रेशन बोल दिया भाई साहब, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से स्लोप आ रहा है, स्लोप का एंटी डेरिवेटिव कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी वापस, सही क्या बात। दूसरी चीज जो मोटिवेट करी है भैया, साइन एक्स का ग्राफ जानते हो, फंक्शन होता है कि जीरो के पाई बाई टू, अरे बहुत पढ़ के बैठे हो यार, पाई थ्री पाई बाई टू, टू पाई, मुझे ये एरिया चाहिए, एरिया यहां से लेके यहां तक का। फंक्शन क्या है? फंक्शन है वाई बराबर साइन एक्स, वही तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जन्म यहां से हुआ है। लिमिट कैसे बनी? तो बोले सर कर लीजिए ना वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू सर लगा लीजिए ना साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एक स्ट्रिप मान लीजिए पतली सी वगैरह वगैरह, समझाऊंगा वो एप्लीकेशन ऑफ, इसके लिए चैप्टर अलग बना दिया उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और सर आप कह रहे हैं कि मुझे इतना एरिया चाहिए, तो लिमिट लगा लीजिए जीरो से पाई तक जा रहे हैं, वरना तो इनफाइनाइट एरिया निकाल के दे देगा ये। अच्छा नहीं आया समझ? आएगा, दूसरे उससे देखते हैं यार। मान लो कोई पैराबोला है, ये वाला या ये वाला, मुझे ये एरिया चाहिए यहां तक का, इसमें कितना एरिया है? एक पतली सी स्ट्रिप अगर हम यहां पे डाल लें, जिसकी ऊंचाई तो y है, चौड़ाई बहुत कम है यानी कि dx हो जाएगी भैया, लंबाई इंटू चौड़ाई इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया। इंटीग्रेशन कर दोगे बहुत बड़ा कर देता किसी चीज को, लेकिन लिमिट मान लो यहां से लेके इस लाइन की इक्वेशन x बराबर 4 है, यहां पर x बराबर 0 है, तो 0 से 4 लिमिट रख दो। अगर ये लिमिट नहीं रखोगे तो क्या होगा? तो इस पूरे के अंदर जितना एरिया होगा इनफाइनाइट, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इस बात को कि इंटीग्रेशन करने पर किसी कर्व का अगर वाई डी एक्स कर रहे हो तो एक्स एक्सिस के अंदर जितना भी वो एरिया है वो निकाल के देता है वो, और लिमिट लगा दोगे कोई पर्टिकुलर तो एक डेफिनेट एरिया आ जाएगा। इसी बेस, इसी बात पे तो बहस है, इसी बात पे तो इंटीग्रेशन दो टाइप का है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो मैं डेफिनेट की बात तब करूंगा जब डेफिनेट पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल यहां से दो बात आप याद रखें, दो चीजों ने इंटीग्रेशन को मोटिवेट किया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कर रहा था, इंटीग्रेशन को दो चीजों ने बनाया है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व और हाउ टू फाइंड द फंक्शन इफ इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, स्लोप गिवन है इक्वेशन चाहिए, या हाउ टू फाइंड द एरिया, ठीक है, इंक्लोज बिटवीन द टू कर्व्स, इंक्लोज बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व और बिटवीन दीज लिमिट्स, उसके लिए पूरा चैप्टर अलग है सेकंड वाला, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा ही एक वीडियो उसके लिए आएगा। तो फिलहाल दो चीजें हैं दुनिया में जिन्होंने इंटीग्रेशन को बनाया, सी क्यों आया, इंटीग्रेशन पूरी फैमिली देता है निकाल के, पर्टिकुलर नहीं देता, इसलिए उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। तो एक भैया स्लोप गिवन है या डेरिवेटिव गिवन है, उससे मुझे फंक्शन बनाना है, इसलिए इंटीग्रेशन को आज एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, उल्टा काम करता है, डिफरेंशिएशन बहुत छोटी ही कर देता है ना वैल्यू को, वो इनफाइनेटली बढ़ा देता है। और दूसरा एरिया अंडर कर्व, किसी कर्व के अंदर का अगर एरिया निकालना है, क्या इसका ये ऐसे करके zigzag लाइन जा रही है लेकिन मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, क्या कोई दुनिया में ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला है रेक्टेंगल स्फीयर क्यूब क्यूबॉइड जो इसका एरिया दे दे? नहीं देगा। जैसे आप सेब का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते फॉर्मूला लगा के, एप्पल का वॉल्यूम निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे। उसके लिए आपको एप्पल को क्या करना पड़ेगा, एक भरे हुए पानी के बीकर में डुबोना पड़ेगा, जितना एप्पल उसमें जाएगा वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो वो जगह घेरेगा, उतना पानी बाहर निकल के गिर जाएगा, उस पानी का वॉल्यूम किसी भी बीकर में डाल के नाप लीजिए। तो सेब को निकालने के वॉल्यूम का तरीका बनाया ना, किसी फॉर्मूले से आप निकाल पाएंगे? तो इसी तरीके से इस कर्व के अंदर और ये एक्स एक्सिस के अंदर कितना एरिया आ रहा है, क्या बता पाएंगे आप? कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो उसका एरिया निकाल के दे सकता है, ऐसे इरेगुलर एरियाज, इरेगुलर वॉल्यूम्स इंटीग्रेशन से बहुत आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इस इक्वेशन का, इस कर्व का इक्वेशन पता हो और कहां से कहां तक का चाहिए वो लिमिट पता हो, बस इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो, डेफिनेट हो जाएगा। तो दो चीजों ने इंटीग्रेशन को मोटिवेट कराया है,
स्लोप से वापस इक्वेशन कैसे लाएं, डेरिवेटिव से वापस फंक्शन कैसे बनाएं और एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालें, ये था इंटीग्रेशन। अब उसमें दो बातें आपसे बस और होंगी, दो बातें क्या होंगी वो कि सर डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैंने कहा था मैं डिफरेंशिएशन मान के चल रहा हूं कि आपको आ रहा है, साइन एक्स सर कॉस एक्स होता है तो इसको उधर अगर आप भेजो तो dx ओवर d हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा dx ओवर d को। मैंने कहा मैथमेटिशियन का d नहीं लिखेंगे यार नीचे, हम सिर्फ dx लिखेंगे, लेकिन इसके लिए एक साइन बना देते हैं इंटीग्रल का साइन। तो जो प्रोसेस है पूरा, जिस प्रोसेस से आप किसी डेरिवेटिव के एंटी डेरिवेटिव को निकालते हैं उस प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है। और अगर आप इस फंक्शन का यानी कि ये स्लोप था, आप इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो इसका इंटीग्रल कहलाएगा। यानी कि कॉस एक्स अगर स्लोप है किसी इक्वेशन का तो उसका जो कर्व फंक्शन रहा होगा, जो कर्व रहा होगा या जो इंटीग्रल, उसी को इंटीग्रल कहते हैं, वो ये है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं कि अगर आप साइन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन कराते तब भी आंसर कॉस एक्स आता, साइन एक्स प्लस टू का कराते, टू का आप कहते हो ना, आप खुद ही कहते हो कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, लेकिन वो एक अलग बहस है, कॉन्स्टेंट का प्रूफ करो जीरो होता है तो बहुत डिफरेंशिएशन जब पढ़ाऊंगा तो वो समझाऊंगा, लेकिन प्लस टू करोगे तो आपको मालूम है कांस्टेंट का फिर भी जीरो होगा, आंसर तो यही आएगा। थ्री करोगे तब भी जीरो होगा। तो हम जब भी इसका अब इंटीग्रेशन निकालूंगा कॉस एक्स का, तो पता कैसे चलेगा कि सिर्फ साइन एक्स था या साइन एक्स के साथ कुछ लगा हुआ था, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू, इसलिए क्या लगाते हैं साथ में, सी लगाते हैं। सबसे बड़ी बहस खत्म हो गई है कि सी क्यों लगाते हैं, सी बनते नहीं है, सी लगाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से log x का डिफरेंशिएशन सर 1 अपॉन x है, d ओवर dx ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, log x, गलती कर रहे हो, प्लस c, क्या पता 1 2 3 कुछ रहा हो, डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया होगा, चाहे भले ही जीरो रहा हो यार, जीरो भी तो कांस्टेंट है, तो c लगा लो, क्या दिक्कत है। तो जितने फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन वाले हैं अब आपको वो मतलब के साथ याद हो जाने चाहिए, मतलब के साथ, फिर उस पर हम क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमने इंटीग्रेशन का आपको मतलब तो समझा दिया, अब कुछ फॉर्मूलाज है और बस एक दो बातें हैं जो x की पावर n का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एंड मैथ्स, तो भी तो है ही भैया, बेसिक है, लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इसका। इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई बच्चे ने, टाइम वर्क हो गया, तो बहुत सारी चीजें ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, फुल्ली फुल्ली चीजें फिजिक्स में यूज होती हैं, मैथ के हिसाब से तो ये बहुत छोटी चीज है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, कितने बच्चों ने रटा हुआ है, अगर मैं यही पूछ लूं ये कहां से आया, अब ये उल्टे वाले फॉर्मूले से कैसे बनेगा जरा बताइएगा, तो जरा देखते हैं। सपोज करिए मैंने x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन लेके चला, मैं x की पावर n प्लस 1 का मैं डिफरेंशिएशन लेकर चला, हाँ सर बात सही, चलिए क्या होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, सर n x की पावर n माइनस 1, रट के बैठे हुए भैया, राजू है राजू, हर चीज को धड़ से रट लेता है, है राजू तो सुने होगे, ठीक है। तो सर इसका होगा n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, x की पावर n रह जाएगा, बस यही तो सिखाया था, इसका उल्टा मानना जरा, डिफरेंशिएशन का साइन इधर से हटाइए, इधर इंटीग्रेशन लगा दीजिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ x की पावर n का चाहिए था, ये वाली चीज को इधर डिवाइड में भेज दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर लो बस, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जिसका आप डिफरेंशिएशन मेथड से इंटीग्रेशन निकालना सीख जाओगे, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग 2-3 सवाल इसी से करवाए उन्होंने, भैया जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको डिफरेंशिएशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, x की पावर n dx, तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बात हो गई प्रूफ, जो आज तक रटे जा रहे थे आप, समझ रहे हैं बात को, तो ये इसका नोट आप कर लीजिए, आई हो कर ही लेंगे, नोटबुक वगैरह लेके बैठे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपकी पहली वाली, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c का क्या चक्कर है पता चल चुका है। सिर्फ अब उल्टे वाले फॉर्मूला की बात करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का डी एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, तीसरा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का, ध्यान दीजिएगा इस सर ऐसा काफी पढ़ा रहे, तो माइनस इधर से हटाओगे तो माइनस इधर लग जाएगा प्लस सी,
माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चौथा सर अभी उल्टे उल्टे वाले पढ़ा रहा हूं, उसके बाद सारे प्रूफ करूंगा। टेन एक्स का इंटीग्रेशन आज तक बच्चों को क्यों याद नहीं हो रहा है? टेन एक्स का सेक एक्स का कॉट एक्स का कॉसिक एक्स का, टेन और कॉट तो फिर भी आसान है, कॉसिक सेक कैसे लाओगे? बच्चे आधे तो ये समझ रहे हैं, जो बुद्धू बच्चे उन्हें आज तक ये पता नहीं है कि इनका इंटीग्रेशन भी है, आया है कहीं से, होता ही नहीं है। हम एक जगह गए ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने के स्कूल में, पता नहीं क्या लेवल था, नाम तो नहीं ले सकता, कोई होता ही नहीं है इंटीग्रेशन, पढ़ाया नहीं हमारे टीचर ने, टेन एक्स का होता ही नहीं होगा, उल्टे वाले ही समझ रहे थे, वो सारे फॉर्मूले उल्टे ही वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे झटके लगते हैं ना कभी कभी, मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा भी है, चौंक गया मैं तो ये हो गया। अब टेन एक्स का क्या होता था, sec square x, तो उल्टे वाले की बात चल रही है, तो sec square x dx का क्या हो जाएगा, tan x plus c। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ tan x का इंटीग्रेशन बताओ ना, यही तो मैंने पूछा था। tan x बोले हाँ, tan x का सर sin cos का तो tan का भी होता है, tan का भी होता है क्या, होता है होता है होता है यार। चलो पांच, अभी उल्टे वाले की बात चल रही है। tan के बाद cosec का, cosec का होता था क्या, माइनस का cosec x into cot x, तो उल्टा कर लो, cosec x into cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x। इतने तो याद कर ही लो भैया, हर हाल उल्टे वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ, सारे नोट कर लो, समझ लो, वरना हर जगह हर कॉपी हर किताब हर गली हर मोहल्ले हर चौराहे पे लिखे हुए हैं ये। अरे रास्ते में जाओगे ट्रकों के पीछे लिखे हुए मिलेंगे भैया ये फॉर्मूले आपको। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो हर जगह लिखे हुए, हर ऑटो के पीछे आपको फॉर्मूला चिपका हुआ मिलेगा। मजाक लग रहा है क्या? अरे नहीं मजाक नहीं है, ये है लिखे हुए हैं ना किताबों में, हर जगह पढ़ोगे यार। ये अगर यही नहीं जानते हो ना तो दाखिला भी नहीं लियो, फिर कैलकुलस क्या पढ़ोगे। तो आ जाओ पढ़ेंगे मस्ती से, आ जाओ इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉसिक हो गया, कॉसिक एक्स। अच्छा अब उसके बाद बताओ सेक एक्स का क्या होता था, डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का होता था सेक एक्स टेन एक्स। हाँ बोले सर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया याद दिलाए। तो उल्टा हो जाएगा भैया, सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक याद आ रहा है। कॉट एक्स क्या होता था, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। लेकिन आज तक हमारे पास, आज तक तो नहीं कहना चाहिए, कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन है नहीं, सेक का है नहीं, कॉट का है नहीं, टेन का है नहीं, कहां से आएगा? लाएंगे अगले लेक्चर में यार, अभी तो उल्टे एंटी डेरिवेटिव वाले पढ़ा रहा हूं, जितने फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन के याद किए थे उसके इंटीग्रेशन वाले पढ़ रहे हैं अभी, समझ गए ना। हाँ इतने तो यार समझदार हो एट वाला। तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x dx का, अरे उल्टा कर दिए, हाँ सही है, 1 अपॉन x dx का log x प्लस सी क्यों है वो बात अलग है, इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन ये क्यों होता था, डिफरेंशिएशन प्रूफ किए कभी? तो बहुत डीप हो जाएगा यार, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यों होता है यार, पता नहीं सर क्यों होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x रहेगा, प्लस c का चक्कर आपको पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ x की जगह 2x कर दूं तो एक अलग चरस और हो जाएगी, फिर क्या आंसर आएगा, फिर अपॉन में 2 आने लगेगा। भैया बहुत दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, शुरू से बने रहो, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, शुरू से बने रहो। e की पावर x का याद है डिफरेंशिएशन? हाँ सर याद तो है, e की पावर x log e a करके कुछ होता था, इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसको डिवाइड में ले आ रहे हैं। हाँ समझ गए सर, ये तो चक्कर है, डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई में आता था वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा, बट जब सब्स्टिट्यूशन बढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। अब कोई बचता है? तो बाकी तो मेरे हिसाब से सारे हो गए उल्टे वाले, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये है वो एंटी डेरिवेटिव जिनके डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी याद किए थे, क्लास 11th में याद किए थे, पिछले टर्म में याद किए थे, जब डेरिवेशन पढ़ा था डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब याद किए थे। अब इस पे जो क्वेश्चन है जो एक्सरसाइजेज हैं, कैसे करके पढ़ाएंगे सर आगे कैसे करेंगे, समझ में तो आई हैं चीज़ें, तो एनसीईआरटी में ही 300-400-500 सवाल हैं, उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेशन में पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत डीप जाने वाला टॉपिक है, तो बट चिंता मत करिए, सब कुछ सीखेंगे इस पे वन बाय वन। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूरतमंदों तक ज़रूर इसको पहुँचा दिए जिनको इंटीग्रेशन सीखने की ज़रूरत है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, बहुत मज़ा आया इसको पढ़ाने में, जय हिंद।